राजस्थान सरकार में हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री बनाए गए जाहिदा खान का नूही जिले में समर्थकों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया है। जाहिदा खान का काफिला जैसे ही गुरुग्राम जिले से नूही जिले में प्रवेश किया तो नूही जिले की सीमा से पहले गांव रोजका, मेव, रेवासन, घासीडा, नूही, बटकली चौक, फिरोजपुर, झिरका इत्यादि में फूलमाला व ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया गया है। लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया है। जाहिदा खान राजस्थान की कामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है और गहलोत सरकार में उन्हें हाल ही में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। राज्य मंत्री बनने के बाद जाहिदा खान जब पहली बार नूही जिले में आईं तो लोगों ने उन्हें सिर्फ आंखों पर बिठा लिया। जगह जगह हुए जबरदस्त स्वागत से राजस्थान की राज्य मंत्री जाहिदा खान भी बेहद उत्साहित नजर आई। आपको बता दें, जाहिदा खान देश के एकमात्र नेता चौधरी स्वर्गीय तैयब हुसैन की पुत्री हैं, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मंत्री रहे हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक एवं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन की छोटी बहन जाहिदा खान राजस्थान की कामा विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। हाल ही में राजस्थान में हुए अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में जाहिदा खान को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा सहित कई विभाग दिए गए हैं। विवाद की इस लाडली को मंत्री बनाए जाने से लोग बेहद उत्साहित हैं। वह मेव कौम की पहली महिला मंत्री बन गई हैं। इसीलिए राजस्थान और हरियाणा में उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जाहिदा खान भी मेव कौम के इस प्यार से बेहद उत्साहित हैं और उन्होंने कहा है कि वह अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर कौम व इलाके की सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगी। उन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा मिलने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। मेवात की बेटी हूँ, मेवात की 3600 बिरादरी की, और जब बेटी मंत्री बनकर आई है तो ये लोग स्वागत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। परिवार है हमारा मेवात, तो इसलिए जब मैं पहली बार आई तो मुझे लगा कि पहले मैं अपने बड़े मेवात में होके फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कामा में जाऊँ। देखिए, अपने मुंह से अगर मैं गिनाऊँ तो अतिशयोक्ति भी आप लोग कहेंगे। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहती हूँ, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि अब हमारी चौथी पीढ़ी भी राजनीति में आ गई है। तो हमारे दादाओं ने, दादा चौधरी यासीन खां, चौधरी तैयब हुसैन जी, फजल भाई, जाकिर भाई, मैं और मेरे बाद ताहिर और साजिद प्रधान बने हैं। तो कुछ ना कुछ तो हम लोगों में होगा जो लोगों को हम, क्योंकि हम लोग इनकी दिल से सेवा करते हैं, हम पे दिखावा करना नहीं आता। महिलाओं की तो एक तो जब मैं प्रधान बनी थी 2000 में, जब चौधरी तैयब हुसैन जी ये कहते थे तो मैं बहुत अच्छा मिला है कि महिला अपनी बात खुल के रख सकती हैं अब उनसे। उनके बाद अब जब मैं MLA बनी तो मैंने ये चीज़ फील करी, और जो महिलाओं में एजुकेशन की जो बेसिकली कमी रही है, उसकी वजह ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ के नौकरी करें। अब पढ़ाई अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, घर परिवार के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मैंने देखा जब मैं प्रधान बनी थी उसके बाद से ही हमारे यहाँ लड़कियों का पढ़ने का रुझान काफ़ी बढ़ा था, और मेरी एजुकेशन को ही लेके चाहे आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी, अजय माखन जी, प्रियंका जी और आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया, उसके लिए मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहूँगी कि चाहे रोटी मत खाओ, आधा आधा पेट रोटी खाओ, लेकिन बेटियों को ज़रूर पढ़ाओ। ये हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमारी एक मुस्लिम समाज की नेता है, जो मतलब पूरे राजस्थान में बहुत ही अच्छी छवि की नेता है, और वो हम शुक्रगुजार करेंगे अशोक गहलोत जी का, जिन्होंने हमारी समाज की एक राज्य शिक्षा मंत्री को पद देकर उन्हें सम्मानित किया है। ये हमें बड़ी खुशी की बात है, और जैसा ही वो नूह आई थी तो हमें पता चला, हम उसके सम्मान में हमारा पूरा गाँव जगह जगह पर मतलब उसके सम्मान में रोड पर आकर उनका सम्मान किया, ये हमें बड़ी खुशी हुई। एक गाँव मालब है, नूहू डिस्ट्रिक्ट, तहसील नूहू, और भाई सलमान और जावेद जो हमारे भावी पार्षद है, छोटे भाई हैं, उन्होंने इसका वेलकम किया है।